बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है, अब तक की सबसे अहम खबर जिस पर पूरे पाकिस्तान की नज़र लगी हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले आपने देखा सेशन अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और उसके बाद फिर यह खदशा था कि एक दफा फिर हम देखेंगे पुलिस ऑपरेशन इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट का फिर ये फैसला था कि एक दिन के लिए मजीद तौसी दी गई थी, कोई ऑपरेशन ना किया जाए, लेकिन फिर भी वारंट गिरफ्तारी अपनी जगह पर थे और आईजी बार बार हाई कोर्ट से कह रहे थे, लाहौर हाई कोर्ट से कि जी हमें अब इजाजत दी जाए, हमें इजाजत दी जाए, हमने वारंट पर अमल करवाना है। लेकिन अब हुआ यह है कि इसी हवाले से सेशन अदालत का जो फैसला आया जिसमें कहा गया जी वारंट गिरफ्तारी अपनी जगह रहेंगे, जो जजमेंट भी आ गई थी जिसके बारे में जज साहब ने खुद कहा था कि जजमेंट बड़ा मजा आएगा आपको, उसके खिलाफ अगले ही दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की जाती है उस ऑर्डर, उस जजमेंट के खिलाफ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले शुरू में इतराजात लगाए गए थे लेकिन उसके बाद फिर अदालत ने इस केस को सुना और इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जो सेशन अदालत यानी निचली अदालत में गए हुए थे, वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको मुअत्तल कर दिया है, इमरान खान को गिरफ्तारी से रोक दिया है। अब इमरान खान साहब अदालत में आ सकते हैं बगैर गिरफ्तारी के और पहले दिन से इमरान खान बार बार कह रहे थे, कई दिन से कह रहे थे, मैं 18 मार्च को हर सूरत अदालत में जाऊंगा, हर सूरत अदालत में पेश होऊंगा। ये सेशन अदालत इस्लामाबाद की थी जहां पर तोशाखाना का केस चल रहा है और आप जानते हैं कि तोशाखाना में तहाइफ लेकर बेचने का इल्ज़ाम है इमरान खान साहब पर, जो कि अब पता चल रहा है शाहिद खाकान अब्बासी भी मान चुके हैं कि उन्होंने भी तहाइफ लेकर बेचे और बाकी तो भी बता ही नहीं रहे कि बाकी इमरान खान पर तो घड़ियों का है, बाकियों पर गाड़ियों का है, जेवरात का है, हार का है, सोने की तलवारें हैं, पता नहीं क्या कुछ है। और वो सब जो कि 400 सवात की फरिश्ता आ गई है, वो सब अपनी जगह है, उस तरफ से सब तवज्जो हट गई कि जी इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि मामला मेरी गिरफ्तारी का नहीं है, मुझे रास्ते से हटाने का है, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, ये चीज़ें इमरान खान कह रहे थे। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़े बहरान से मुल्क को बचा लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये तक कहा गया है कि हमने ये सारा मामला निचली अदालत में भेजा था कि मामला वहां पर जाकर अदालत के वकार को मलूज़े खातिर रखे हुए तय हो जाए, हमें उम्मीद नहीं थी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं, हमें उम्मीद नहीं थी कि दोबारा मामला हमारे पास आएगा, क्योंकि इससे पहले भी ख्वाजा हारिस ये मामला लेकर आए थे कि सेशन अदालत से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और लाहौर में आपने देखा कि क्या हुआ। ये ख्वाजा हारिस के दलाइल थे कि लाहौर में अजीबोगरीब माहौल पैदा हो चुका है, बड़ा खतरनाक माहौल पैदा हो गया है, जिस तरह शेलिंग हुई है पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की शेलिंग नहीं देखी गई थी। इसके साथ साथ आपने देखा कि बुलेट्स चलाई गई, रबर बुलेट्स चलाई गई जिससे लोग जख्मी हुए और वो कई साल तक वो मनाजिर अब चूंकि कैमरों में बंद हो चुके हैं, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में अब रहेंगे एक अफसोस की अलामत रहेंगे कि एक खातून को किस तरह निशाना लेकर बांध कर बाकायदा उस अकेली खातून को निशाना बनाया जा रहा था, वहाँ पर इतने आंसू गैस की के शेल फेंके गए, कितने लोग जख्मी हुए, किस तरह का ऑपरेशन हुआ, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स का इस्तेमाल हुआ, रेंजर्स का इस्तेमाल हुआ, तो ये सब कुछ हुआ। तो फिर ख्वाजा हारिस इमरान खान साहब के वकील ने यह बात भी कही, तब जज साहब ने यह कहा था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि जी वो तो इमरान खान साहब की वजह से यह माहौल जो पैदा हुआ है, तो अब श्योरिटी, फिर वहां पर श्योरिटी दी गई, कानून के मुताबिक श्योरिटी दी गई कि लिख कर दे दिया गया वकला के थ्रू इमरान खान साहब हर सूरत अदालत में पेश होंगे 18 तारीख को। तो लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप ये श्योरिटी निचली अदालत में ले जाएं जिसने ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, वहां पर जब गए तो जज साहब ने इनको कबूल नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं जी इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार किया जाए, तो फिर मामला लटक गया। लेकिन अब मामला सुलझ गया है, 18 तारीख को आप देखिए कि हफ्ते का दिन सेशन अदालत में इमरान खान साहब पेश हो जाएंगे और उसके बाद जैसे ही वो पेश होंगे तो ये वारंट गिरफ्तारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अभी ये मुअत्तल हैं, इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, इमरान खान साहब अब बगैर गिरफ्तारी के अदालत में पेश हो सकते हैं और जो ही पेश होंगे तो कानून के मुताबिक यह है कि वारंट गिरफ्तारी खत्म हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि सिर्फ वारंट हैं अदालत में हाजिरी के लिए, तो जब कोई शख्स अदालत में हाजिर हो जाएगा, पेश हो जाएगा, तो वह खुद ब खुद चीज़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी तक केस का कोई फैसला नहीं आया, अभी तक केस पर उसके मेरिट्स पर उस तरह कोई बहस नहीं हुई, कोई सबूत, कोई गवाह, वो चीज़ अभी शुरू ही नहीं हुई, ट्रायल अभी बकायदा उस तरह से शुरू ही नहीं हुआ। वो होगा तो उसके बाद कोई सजा का होगा और फिर कोई गिरफ्तारी करके या किसी को सजा दी जाती है, ये सिर्फ अदालत में
लाने के लिए होते हैं। तो लिहाजा अब वो मामला तो ख़त्म हो गया। तो एक जो हिजान की एक इतना ख़तरनाक माहौल पूरे मुल्क में बना हुआ था, अब वो सब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे हैं मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, जब भी अदालत बुलाएगी मैं जाऊँगा, मैं पेश होना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि अब कल इमरान खान साहब की पेशी के लिए सेशन अदालत में खसूसी इंतजाम का भी कहा जा रहा है, सील किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो दफ़ा दहशतगर्दी का हमला हो चुका है इस्लामाबाद की सेशन अदालत में। तो इस वजह से अब वहाँ पर इंतजाम भी किए गए हैं। इससे भी पता चल रहा है कि जी मामला तय हो गए हैं, इमरान खान साहब कल आएंगे जो पहले दिन से वो कह रहे थे। तो अब ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, इतनी हंगामा राई करने की क्या ज़रूरत थी। फिर जज साहब ने खुद कहा सेशन अदालत ने कि जी वारंट पर इतना खर्चा आ गया, करोड़ों रुपया तो खर्च हो गया कौम का, इतने लोग ज़ख्मी हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, ये क्या हो गया। तो इमरान खान साहब ये साबित करने में कामयाब हुए कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालत में पेश होना चाहते हैं, अदालत में पेश हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। बाकी केस सारे चलते रहेंगे। वो इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई जाए, सिक्योरिटी बेहतर बनाई जाए, मैं हर अदालत में पेश होने को तैयार हूँ, सारे केसेस या इकट्ठे कर दिए जाएँ किसी एक जगह पर, तो वहाँ पर जाकर मैं पेश हो जाता हूँ, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, अदालतों से पूरी उम्मीद है कि वो आईन और कानून के मुताबिक फैसले देंगी। लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, उसकी भी जो अपडेट आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हिफाजती जमानत के लिए इमरान खान साहब गए हैं। और इसके साथ साथ जो जलसे का मामला था लाहौर में, उस पर भी हुकूमत के साथ मामला तय हो रहे हैं। और एडवोकेट जनरल ने ये कहा है, शानगुल साहब ने, कि जी हमारे साथ मुआहदा हो गया है, अब पीर को जलसा होगा लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर, इसको तहरीके इंसाफ तारीखी जलसा करार दे रही है। अब जैसे ये फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो इसके बाद फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लोग कोई सर्फ ना खा ले, कोई मसला ना कर ले, तो प्लीज़ लोगों को एहतियात करें, वो तंज कर रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा अक्सर जब भी कुछ इस तरह का होता है तो किसी ना किसी को खुद टैग कर देती हैं। अभी FIA का जो केस हो रहा है फवाद चौधरी पर, उसका फवाद चौधरी वाला देते नजर आते हैं कि जी मरियम साहिबा ने अपने मुंशी को कहा कि देखो ये क्या बोल रहा है फवाद चौधरी, और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर FIA नोटिस भी ले लेता है। तो ये सब क्या हो रहा है, इस तरह की बातों पर फवाद चौधरी सब तंज भी कर रहे हैं और इस चीज़ को अब हर तरफ शेयर किया जा रहा है। फवाद चौधरी के अल्फाज हैं जी, खुदा के लिए PDM व्हाट्सएप ग्रुप मीडिया एजेंटों की सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दें, ये मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग ही ना लगा दें कि इमरान खान को रिलीफ क्यों मिल गया है, अब ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर चढ़ाई ना शुरू कर दें कि फिर जजेस पर कि ये क्या है, ये इन्होंने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं होने दिया, सारा जोर था कि मरीम साहब कह रही थी, राना सनाउल्ला कह रहे थे हर सूरत हम इसको गिरफ्तार करेंगे, देखना तो सही, इसको मैं मच्छ जेल में बलूचिस्तान भेजूंगा, मिर्ची वार्ड में भेजूंगा। और हामिद मीर साहब कहते हो वहाँ तो बड़ा कुछ होता है, उन्होंने कहा जी हमने वादा किया हुआ है, देखना इसको गिरफ्तार करके हम करते क्या हैं, इसके साथ एक दफा गिरफ्तारी हो जाने देते हैं, ये नशा करता है, इसके हम टेस्ट करवाएंगे, ये होगा वो होगा, ये चीखे निकालेगा। और मरीम कहती थी ये तो बाएँ हाथ का खेल है, राना सनाउल्ला जैसे ही गिरफ्तार कर लेगा, इसको तो मसला ही कोई नहीं है, 20 मिनट का ऑपरेशन है, ये कर देंगे वो कर देंगे। उस बात कहते थे राणा सलाम ने कहा जी हम तो गिरफ्तार ही नहीं करना चाहते, हम तो एक माहौल बनाना चाहते हैं कि जिससे इमरान खान पेश हो। तो आप देखिए उस माहौल से पहले इमरान खान कह रहे थे मैं पेश हूंगा, तो ये अब लगता है कि इनको बैकफुट पर जाना पड़ा है, हुकूमत को कुछ मामला इस तरह के हुए हैं। इस पर हम इंशाल्लाह अलग से तफसील से बात करेंगे। अब एक और बात ये नजर आ रही है कि जी अब कि ये साबित हो रहा है कि ये जो तोशाखाना का सारा मामला था ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, इमरान खान साहब को इंतकामी कार्रवाइयों को निशाना बनाना था और कोई मसला नहीं था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी वारंट गिरफ्तारी जितना ये बना दिया गया, और ऐसा इशू नहीं था क्योंकि ये सिर्फ वारंट गिरफ्तारी थे। और इस पर वकला भी ये बार बार कहते रहे हैं कि ये कोई सज़ा नहीं है कि आप इतना बड़ा इसको इशू बनाएं, सिर्फ ये पेशी के लिए है अदालत में, और जब यकीन दहानी करवा दी गई है तो फिर क्या बाकी रह जाता है। इस आप देखिए ख्वाजा हारिस साहब ने ये कहा, वहाँ पर मुकालमा भी हुआ कि जी फिर वकालत छोड़ देंगे ख्वाजा हारिस, तो ख्वाजा हारिस ने कहा जी मैंने नवाज़ शरीफ की वकालत छोड़ दी थी जब वो इश्तिहारी हो गए थे, जब वो अदालत से मफरूर हो गए थे, वो भाग गए थे नहीं आए। तो अब ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी मैं गारंटी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब पेश होंगे। तो लगता है कि अब मामलात इंशाल्लाह सुलझने की तरफ चले गए हैं क्योंकि मुल्क इस इंतशार का, इस अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वैसे ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। अपनी राय का 1000 कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।